के सपनों में जान होता है, पंखों से क्या होता है, हौसलों से उड़ान होता है, इस कथन को सत्य करके दिखाया है समस्तीपुर के लाल ने। मैं कुंदन कुमार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। आइए हम जानते हैं इनसे कि कैसा लग रहा है आपको पूरे जिला में प्रथम स्थान ला के। काफी अच्छा लग रहा है, काफी घर वाले सब खुश हैं, गांव में सभी लोग बधाइयां दे रहे हैं। तो छात्रों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे आप कि आपका तैयारी कैसा रहा इसके बारे में? तैयारी काफी मेहनत करना पड़ा हमें, और कोई भी मतलब काफी मुश्किल होती है, लेकिन आप लगातार करते रहेंगे तो जरूर सफल होंगे। तो इन्होंने कहा कि भैया मेहनत करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी। गांव के डीलर साहब हैं ये, इनसे भी जानते हैं कि बताइए, आपके गांव का एक बच्चा टॉप किया है पूरे जिला में, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, भगवान करे आगे और अच्छा करे। मतलब खुश हैं? हाँ, बहुत खुश है। गाँव में बहुत अच्छा खुशी का माहौल बन रहा है, अच्छा दिखने को लग रहा है। गाँव का एक लड़का जो है यहाँ पे टॉप किया है पूरे जिला में नीट में, पूरे देश में 301 रैंक लगाया था, आपको कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत खुश है ना, आशीर्वाद दे रहे हैं? आशीर्वाद दे रहा है। जिस दिन मैं बाहर बच्चा गया था, दूसरे दिन में उसको मूवी पार का पोता जाइए विजय का बड़ा पर। अरे साहब, बच्चे के चाचा हैं, आइए जानते हैं इनसे कैसा इनको महसूस हो रहा है, क्या फील कर रहे हैं ये, इस क्या फील कर रहे हैं? हम तो बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, हम लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट करके वहाँ भेजा, तैयारी करवाया जो डॉक्टर बने और पूरे देश की सेवा करें। हमारे पंचायत भी नहीं था, कुछ लोग आते थे तो बोलते थे कि जो आपके गांव में डॉक्टर है, आईएएस है, तो हम लोग चुप हो जाते थे कि मेरे गांव में कोई है नहीं। तो हमारा यही लक्ष्य था, हमने पढ़ा लिखा तो हम लोगों का यही लक्ष्य था कि अब जो है किसी न किसी को डॉक्टर बनाना है, किसी न किसी को आईएएस बनाना है, ताकि कोई आए तो पूछे तो बता सके कि आईएएस है, डॉक्टर है, या इस तरह के देश के सेवा करने वाले लोग हैं, या बड़े प्रतिष्ठित लोग हमारे गांव से हैं, प्रखंड से हैं, पंचायत से हैं, ताकि लोगों को गर्व हो, लोगों को हीन भावना न लगे कि हमारे गांव में कोई नहीं है, हम कैसे लगेंगे। एक लड़का निकलता है तो अगल बगल जो भी गांव के लोग हैं, पड़ोसी हैं, सभी को लगता है इसी मिट्टी में खेलने वाले लोग, इसी मिट्टी में खेलने वाला लड़का, मेरे साथ खेलने वाला, मेरे साथ पढ़ने वाला, एमबीबीएस करेगा, हार्ट सर्जन बनने वाला, आईएएस बनने की तैयारी करेगा, तो उसको भी एक उम्मीद लगता है कि हम भी कर सकते हैं। ये तो कोई यहीं का लड़का था, मेरे साथ खेलता था, उतना ही दिमाग था, उतना ही सब सारा कुछ था, तो हम भी कर सकते हैं। और गार्जियन सब और भी लोग जो पढ़ा रहे होंगे, उन लोगों को भी लगेगा कि अब हमारे बच्चे को भी मिल सकता है, कोई ऊपर से उतरा हुआ, कोई भगवान का दिया हुआ नहीं होगा, यहीं से जैसे ये निकला है वो भी लोग ट्राई करेंगे आगे बनाने का, और इससे सभी लोगों को प्रेरणा मिलेगा। और हम लोग तो यही चाहते हैं कि काफ़ी लोग बने, ताकि देश में, क्योंकि इतने डॉक्टर की कमी है, इलाज ठीक से नहीं हो पाता, झोला छाप को बुला के कराना पड़ता है, और वो भी ठीक से बिना जांच का क्या कर रहा है नहीं कर रहा है पता नहीं चलता, कितने प्रेग्नेंट महिला डेथ हो जाती है, बच्चे मर जाते हैं, छोटे से बच्चे हो, किसी को हार्ट की बीमारी हो जाए तो पता ही नहीं चलता किस डॉक्टर से दिखाए, कोई स्पेशलिस्ट नहीं है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम है। अगर एक लड़का इस तरह और भी प्रेरित होके और भी करता है तो काफ़ी सारे समस्याओं को सॉल्व किया जा सकता है। वैसे ही बिहार गरीब है, अगर अच्छे डॉक्टर नहीं होंगे तो ऐसा ही जान बचना आसान नहीं है। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और देखते रहे HBN News।